हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल। पिछले वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे, इस वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल। उसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल्स, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 4×10⁻¹ कूलम। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपके पास, ठीक है, एट ए डिस्टेंस। ये कोई क्यू चार्ज है, इससे किसी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल, मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा? पोटेंशियल रूट द पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल रूट द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाई आर। के कितना हो जाएगा? 9×10⁻¹। ठीक है, चार्ज कितना दे रखा है? 4×10⁻¹ कूलम। ठीक है, डिस्टेंस आर 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के क्या बना लोगे आप लोग? मीटर बना लोगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 9 से 9 क्या हो गया आपका? कैंसिल, ठीक है। तो आया 4×10⁻¹, ये प्लस का 9, ये माइनस का 9, तो ये दोनों भी कैंसिल, तो 4×10⁻², मतलब 400 वोल्ट आ जाएगी आपकी पोटेंशियल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही, कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 4×10⁻¹ कूलम, ठीक है, हो जाएगा सो लिख लिया सबने। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे पास? कैलकुलेट द वर्क डन। ये लिख लिया, लिख लीजिए जल्दी से, 1 सेकेंड लिखिए जल्दी से बेटा। हो गया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1×10⁻¹ कूलम फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, कितने किस चार्ज? क्यू नॉट कोई चार्ज दे रखा है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1×10⁻¹ कूलम, ठीक है, फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ 3 सेंटीमीटर। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आ रहा है ये 3 सेंटीमीटर, ये इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू 10⁻¹ कूलम, और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से? ये 3 सेंटीमीटर। तो वर्क डन आपसे पूछ रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? क्यू नॉट इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। वो कह रहा है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है उससे कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है? वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपके पास इस चार्ज के कारण पहले आप पोटेंशियल निकालोगे, कितनी हो जाएगी? v इक्वल्स टू k q / r। तो इस मान ली इतना ही तो वर्णन करेंगे ना, जितनी यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल होगी। तो k q / r, k कितना है? 9×10⁻¹। क्यू कितना होगा यहाँ पे? इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगी, 2×10⁻¹⁻⁶ डिवाइड बाई आर। आर कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे 10⁻²। मैं पीछे वाले क्वेश्चन में 3 आएगा, मैं शायद स्केयर कर गई, ठीक है। ये जो पीछा पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या आएगा आपका पास? के क्यू बाई आर, 9×10⁻¹⁹। क्यू कितना था आपके पास? 4×10⁻¹⁹। और आर कितनी दे रखी है इसमें? इसे तो 9 ही है, ठीक है, मुझे लगा 3 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये था, इसमें सिर्फ पोटेंशियल पूछा था। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, क्या ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड है। तो ये आ जाएगा आपके पास, सोल्व कर लो इसको, यहाँ से कितना बन जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? 6×10⁻¹⁹ और ये प्लस का 9 ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया? 18 में से 6 गए 12, 10⁻¹⁹ आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल। देखिए फिर से, KQ/R, K कितना? 9×10⁻¹⁹। Q कितना दे रखा है? 2×10⁻¹⁹। डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 3×10⁻¹⁹ आएगा बेटे, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है ये। 2 के लिए यहाँ पे क्या करोगे? 9 - 6 प्लस का 2, ठीक है। तो ये 3×2 = 6 और ये 9 - 6, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी बची?
इलेवन, इलेवन में से सिक्स गए कितनी आ जाएगी, फाइव आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब आपके पास क्या पूछ रहा है, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल। तो क्यू नॉट कितना है आपके पास, वन इंटू टेन रेशो दी पावर माइनस नाइन, और आपके पास ये कितना, सिक्स इंटू टेन रेशो दी पावर फाइव, ठीक है। कितना आ जाएगा, सिक्स इंटू टेन रेशो दी पावर माइनस फोर। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन वहां पे करना पड़ेगा। समझ आ गया सबको, क्लियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से एक बार क्वेश्चन को, लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट अक्रॉस द टू प्लेट्स 2 mm अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स। ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस dV, कितना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है, वो 50 वोल्ट। सिंगल पोटेंशियल कुछ नहीं होता बेटा, हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करते हैं ऑलवेज, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता आपका, ठीक है। डीवी कितना आ जाएगा आपका, 50 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ई क्या, dr, ये एपी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ 2 mm अपार्ट। डिस्टेंस दो प्लेट, ये दो प्लेट है, ठीक है, ये मान ले ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैं कहूँ वी ए, ये वी बी, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये दे रखा है आपको 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी आर, वो दे रखी है आपको 2 mm, 2 mm, mm मतलब 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बिटवीन द प्लेट्स, E क्या होता है बेटा, माइनस डीवी बाई डी आर, E क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से डीवी कितना है 50, और डी आर कितना आपका 2 × 10⁻³। कितना जाएगा, माइनस 50 इंटू, इसको सोल्व कर लो एक बार, 2 से 25, तो 25 × 10⁻³, तो 25 mm कह सकते हो, ठीक है। नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नीट्यूड के लिए कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव साइन हेयर इंडिकेट दैट ओनली डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका आंसर में आप प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ किसको बताएगा आपका, डायरेक्शन को। तो ये क्या होता है, डीवी बाई डी आर, dV कितना आपका 50, dr कितना 2 mm, तो ये इससे कैंसिल, तो 25 ऊपर गया 10⁻³, 10⁻³ आ जाएगा आपके पास वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगी आप लोगों की 25 किलोग्राम भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू द इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैव इक्वल चार्ज क्यू प्लेस एट ए ओरिजिन प्लेस एट ए डिस्टेंस x = 1 2 4 8 डिस्टेंसेस, तो फाइंड द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, चार्ज क्या है, इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, के क्यू बाई आर वन प्लस KQ by R2 plus, ऐसे चलता जाएगा आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। KQ को बाहर ले लो, 1 by R1 कितने डिस्टेंस पे है, 1 पे, 1 by R2 कितने डिस्टेंस पे है, 2 पे, या R3 कितने डिस्टेंस पे है, 4 पे, R4 कितने डिस्टेंस पे है आपका, 8 पे, ठीक है। तो देखो इनका क्या सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आएगा हमेशा, कॉमन रेशियो देखो 1/2/1, 1/2 आया, इसका देखो 1/4 × 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तब भी क्या आएगा 1/2। इस सीरीज, ये एक सीरीज बन रही है, और इस सीरीज में क्या सेम आपका, कॉमन रेशियो, तो क्या लग जाएगा, जीपी। इनफाइनाइट सीरीज के लिए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर इनफाइनाइट सीरीज जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस का r, a फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस 1/2, तो 1 अपॉन
टू माइनस वन अपॉन टू चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा आपका टू आ जाएगा। ये इसका सम, इस सारे का सम कितना आ जाएगा आपके पास टू। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल चाहिए तो वी के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेस्ट टू, बस इतना लिख दो, 2 के क्यू आ जाएगा। पुट करो तो पुट कर लेना, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 तो 18 10 पावर 9 क्यू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या अपन देते एक तरह से जीपी सीरीज, इसमें यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, सेम है, तो यहाँ से इसको क्या कर लोगे आप लोग, सॉल्व कर लो। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी करवाए हैं आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ में भी करवाए हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक स्क्वायर दे रखा आपको, इसके यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे चार्ज कैसा माइनस क्यू, हर एक साइड 1 मीटर है, दिस इज द स्क्वायर एंड चार्जेस आर प्लेस्ड एट द स्क्वायर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इन सच ए मैनर, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस सिस्टम के कारण आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालनी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम की क्या निकालनी है, पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, v क्या होता है, k³r, तो k³ इसके कारण, इस सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर पे निकालेंगे आप लोग, तो ये डिस्टेंस देखो यहां से, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट टू ना, ये भी वन तो रूट टू, तो ये रूट टू बाई टू, ये भी कितनी हो जाएगी, रूट टू बाई टू। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, रूट टू बाई टू, तो कैसे लिख सकते, टू के क्यू बाई रूट टू, इन सब के कारण मैं लिखती हूँ, अब ये पॉइंट ए बी सी डी, तो क्या है टोटल पोटेंशियल, बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस बी डी, तो बी ए पोटेंशियल क्या है, टू के क्यू बाई रूट टू प्लस बी बी की बात करो, ये क्या आ जाएगी आपके पास, के क्यू बाई, ये वाली डिस्टेंस सारी बराबर रहेगी आपके पास, बाई रूट टू, बी सी के कारण कितनी होगी, माइनस टू के क्यू बाई रूट टू, और इस बी डी के कारण भी कितनी हो जाएगी, माइनस टू के क्यू बाई रूट टू। ठीक है, देखो ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के, तो कैंसिल, तो पोटेंशियल सेंटर पे कितनी आ जाएगी आपकी, जीरो, क्योंकि आपके पोटेंशियल में हमेशा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से मान लें आपके पास ये एक हेक्सागोन दे देता है, दिस इज योर हेक्सागोन। ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट दिस सेंटर, सेंटर से सारी डिस्टेंसेस बराबर होंगी इसमें, ये सभी डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम एट द सेंटर। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक चार्ज के कारण के क्यू बाई आर, कितने चार्जेस है, सिक्स, तो कितना आ जाएगा, सिक्स के क्यू बाई आर। समझ आ गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ आर्क इज लैम्डा, ये एक आर्क है आपके पास, ये आर्क है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, रेडियस क्या है आपकी आर्क, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, ये एंगल यहां पे क्या बना आपका, अल्फा, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, पोटेंशियल डीवी क्या होगा, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, ये चार्ज आर्क दे रखी है जिसकी डेंसिटी कितनी है, प्लस लैम्बडा, मतलब चार्ज कैसा है यहाँ पे आपका, पॉजिटिव, तो इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। तो देखो यहाँ पे ये डी क्यू अलग से एक फिगर बना देती हूँ, यहीं देख लो, चाहिए
आपके पास मान लो एक छोटा सा एलिमेंट्स की बात करूं मैं यहाँ पे, जिसका एंगल क्या बन जाएगा डी अल्फा, और ये आर क्या बन जाएगी यहाँ पे डी एल, ऐसे बन जाएगी आपके पास। तो आपके पास इस पे चार्ज, इस एलिमेंट पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका क्यू डी क्यू, ठीक है। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा क्या होता है आपके पास डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगी। डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा इंटू में डी एल, तो डी वी क्या बन गया के लैम्डा डी एल बाई आर। टोटल के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो डी वी के लैम्डा बाई आर इंटू डी एल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा डी वी इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर डी एल जीरो टू एल। टोटल लेंथ कितनी है इसकी कैपिटल एल, टोटल लेंथ ऑफ द आर कितनी है मान ली आपकी कैपिटल एल। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका ये एल आ जाएगा। तो ये आ गई पोटेंशियल ड्यू टू द आर एट द सेंटर, ठीक है। अब देखो अगर इस फॉर्म में रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट दूसरी फॉर्म में मिल सकता है, कैसे। आपके पास ये एंगल क्या होता है आपके पास अल्फा, आर अपॉन लेंथ, आर अपॉन रेडियस, आर क्या है एल बाई आर, तो एल को क्या लिख सकते हो अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पुट कर दो, तो वी को क्या लिख लोगे के लैम्डा बाई आर, और एल की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो वी की वैल्यू क्या आ गई के लैम्डा अल्फा। तो जब भी कोई आर्क दे, शॉर्टकट पॉइंट याद रखना इसका, जब भी आपको कोई आर्क दे देता है, ठीक है, और उस आर्क के कारण सेंटर पे क्या पूछता है आपसे पोटेंशियल, तो क्या सीधा फॉर्मूला लगा दो के लैम्डा इंटू अल्फा या फिर के लैम्डा बाई आर इंटू एल, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द आर्क एट इट्स सेंटर, पोटेंशियल ड्यू टू द आर्क एट इट्स सेंटर। समझ आ गया ये दो, ये दोनों फॉर्मूले शॉर्टकट पॉइंट्स के लिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से बेटा, लिखिए जल्दी से। हो गया नावी टॉक, लिख लिया ना सबने, चलें देखिए नावी टॉक पोटेंशियल टू द डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, पोटेंशियल टू द डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, एट एनी पॉइंट, जनरल की बात कर रहा, एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास मान लिया ये आपके पास डाइपोल है, ये माइनस का क्यू चार्ज और ये कैसा आपका प्लस का क्यू चार्ज, तो आप किसी पॉइंट पी पे यहां पे क्या निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल। पहले हमें एक पिछले लेक्चर में मैंने पीछे बताया था पोटेंशियल टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन टू द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। आप जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या बना यहाँ पे आपका थीटा बना, ठीक है। तो देखो एक तो मैं सीधी बात कर सकती हूँ ये डायपोल पी है, ठीक है, इस डायपोल के कारण यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका अलोंग द एक्सिस बन जाएगा, इस एक्सिस के अलोंग, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट एट एनी पॉइंट पे करा था आपके पास, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा बी कॉस थीटा, और इसके अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ से ये वाला, ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा P साइन है थीटा। तो ये कंपोनेंट किस पे है एक्सियल पे, ये कंपोनेंट किस पे आपका इक्वेटोरियल पे, तो टोटल पोटेंशियल की पोटेंशियल क्या बन जाएगा के क्यू बाई आर, के पी बाई आर आया था पोटेंशियल टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। तो के पी पी की जगह लिख दो के कोस थीटा प्लस के पी साइन थीटा बाई आर। तो देखो साइन थीटा किस पे इक्वेटोरियल पे, इस पे है ये इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है आपका जीरो, साइन थीटा कंपोनेंट कहां पे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है आपका जीरो एट, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला क्या आ गया के पी कोस थीटा बाई आर, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, सिंपल अगर मैं शॉर्टकट तरीके से इसको सोल्व करवाऊं तो सिंपली समझ आ रहा है कि इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे एक अलोंग द एक्सियल लाइन एक परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, ठीक है। तो आपके पास सीधा KP cos theta और KP sin theta, ये कंपोनेंट तो क्या बन जाएंगे आपके जीरो, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है आपका जीरो।
अब आपके पास सीधा क्या है, केपी कोस थीटा बाई आपका आर, ठीक है। इस मेथड को लिख लीजिए, लेकिन जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम इतना शॉर्ट मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल टू द डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, या आपने कोई भी जनरल पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहां पे आपके पास ये डिस्टेंस मान लिया कितनी आपकी आर वन, और ये डिस्टेंस मान लिया आपकी कितनी है आर टू, ठीक है। ये एंगल क्या बन रहा है आपके पास थीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर ले लो आप लोग, यहां पे क्या ले लोगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लिया आपने कितनी आपकी आर, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ये माइनस का क्यू चार्ज और ये आपका प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है डायपोल मोमेंट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 2r, तो मैं इसको भी r कह दूं यहां से, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपके पास x कह दो, r की बजाय क्या कह दो x या a कह दो, ठीक है। अब आपके पास देखो अब पोटेंशियल ये a पॉइंट या आपका b पॉइंट, पोटेंशियल टू द a पॉइंट क्या होगी माइनस के क्यू बाई आर वन, एंड पोटेंशियल टू द b पॉइंट कितनी होगी के क्यू बाई आर टू, ठीक है। इतनी हो जाएगी आपके पास, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहां से, ये थोड़ा ठीक से बना लो भाई, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल क्या बन जाएगी आपके पास वी ए प्लस वी बी, तो क्या बना के क्यू अपॉन वन बाई आर वन माइनस प्लस वन बाई आर टू। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ V इज इक्वल टू के क्यू वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, इससे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है यहां से जो ये डिस्टेंस होगी ये आर टू के बराबर होगी, जहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। अरे यहां से मैं एक यहां से मान लू, मैं इस पॉइंट से, मैंने इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां, इतना समझ आ रहा है यहां से, ठीक है। तो यहां से देखो ये डिस्टेंस जो बची आफ्टर दिस परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपकी इस परपेंडिकुलर के पॉइंट के बाद, ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी आर टू के बराबर होगी, मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर वन माइनस का आर टू, आर वन माइनस का आर टू हो जाएगी आपके पास, समझ आया। अब आपको क्या निकालना है, ये एंगल क्या बन रहा है इसके पास थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या बनेगा आर वन, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बना के क्यू आर वन आर टू, ये बना आर वन माइनस आर टू, तो तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए आर वन माइनस आर टू की वैल्यू चाहिए, तो आर वन माइनस आर टू क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम ए बी क्या बनेगा ए एम बाई ए बी। देखो आपके पास ए एम, ए एम क्या है आपके पास एंगल, यहां से ये क्या आपका बेस, और ये क्या बना आपका हाइपोटन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटन्यूज क्या बना कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज क्या बन जाएगा आपका कोस थीटा, तो आर वन माइनस आर टू बाई डिस्टेंस टू ए हो जाएगी ए इंटू कोस थीटा, क्या बन गया आर वन माइनस आर टू बराबर टू ए कोस थीटा, इतना समझ आया। देखो सारे फटाफट जल्दी से, कुछ नहीं करा मैंने, सिंपली इस पॉइंट के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल दिया और इस पॉइंट के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल दिया, ठीक है। ये मेथड इजी पड़ता है, एक बाकी एक बाइनोमियल मेथड है उससे भी कर सकते हैं सोल्व, पर ये इजी पड़ेगा इससे सोल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया के क्यू वन बाई आर वन और आर टू, आर वन बाई आर टू की वैल्यू क्या कर लो यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ से आपका टोटल पोटेंशियल, यहाँ से के क्यू वी इज इक्वल टू के क्यू इंटू आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू की वैल्यू कितनी है टू ए कोस थीटा, टू ए कोस थीटा अपॉन में आर वन इंटू आर, ठीक है। अब लेट आर वन अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके आर टू के, तो उस सिचुएशन क्या लिख सकते हैं के क्यू
टू ए कोस थीटा बाई आर का स्केयर, के क्यू ए कोस थीटा बाई आर का स्केयर। तो देखो यही आया ना, टू इंटू क्यू ए क्या बन गया आपके पास, पोटेंशियल। क्यू इंटू टू ए क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो के पी कोस थीटा बाई आर का स्केयर, ठीक है। और पिछले ये समझ आ गया आपके पास पहले, तो देखो ये आपका पीछे भी यही आया था, के पी कोस थीटा बाई आर का स्केयर, पोटेंशियल टूटता है इक्विटोरियल और एक्सियल। जैसे मैंने कहा था जनरली इसको दो कंपोनेंट वाली कर दो, ये कंपोनेंट पी कोस थीटा था और ये कंपोनेंट क्या था आपका पी साइन थीटा। तो इक्विटोरियल पोटेंशियल क्या बन जाएगी, के पी कोस थीटा बाई आर का स्केयर प्लस के पी साइन थीटा बाई आर का स्केयर। लेकिन बिकॉज इक्वेटर में पोटेंशियल जीरो होती है, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा आपके पास, क्या आ जाएगा केपी कोस थीटा बाई आर का स्केयर। तो ये शॉर्टकट मेथड था डायरेक्ट समझने के लिए, लेकिन आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी जर्नल पॉइंट, समझ लीजिए फिर से बेटा। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस परपेंडिकुलर के बाद ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। जैसे आपके पास ऐसे दो लाइनें हैं, देखो ऐसे ऐसे समझो, किसी को डाउट हो, ऐसे कोई दो लाइनें जा रही हैं इस तरीके से, ऐसे हैं। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींच दूं, देखो यहां से ही परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई या नहीं हो गई, अरे ये एक्स्ट्रा बच गई आपके पास, ये समझ आया। तो इस तरीके की सिचुएशन बन रही है आपके पास, क्लियर बेटा। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी जर्नल पॉइंट। अब इसके केस की बात करते हैं, केस देख लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट लिखो बेटा जल्दी, एक बार लिखिए भाई, लिख लिया। देखो अब केस देखिए, केस में देखिए, केस नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल क्या आई है, के पी कोस थीटा बाई आर का स्केयर, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, तो क्या आपके पास बात करते हैं ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। जब मान लीजिए ये पी इधर आ जाएगा तो थीटा क्या बन जाएगा, ये इस पॉइंट पे बिल्कुल इस लाइन पे थीटा क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। जैसे ये वाला है आपका डाइपोल मोमेंट, तो आपने कहा ये कंपोनेंट पी कोस थीटा है, तो ऑन एक्सियल मतलब बिल्कुल इस एक्सिस के अलोंग आ गए आप लोग, एक्सियल पे यही तो था ना अलोंग दिस एक्सिस, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के पी बाई आर का स्केयर। तो एक्सियल लाइन पे हमने पीछे भी जब जर्नल निकाला था तो यही निकाला था, तो क्या आया पोटेंशियल टू द डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट कितना होगा, के पी बाई आर का स्केयर। नाउ पोटेंशियल टू द डाइपोल, पोटेंशियल टू द डाइपोल, पोटेंशियल केस नंबर टू, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एट इक्वेटर इक्विटोरियल लाइन, एट इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, समझ आ गया यहां से आपके पास। तो क्या बन जाएगा यहां से आपका थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये डायपोल है, ये वाला कंपोनेंट तो इधर आ गया, तो कोस थीटा का मतलब ये एंगल पूरा इधर, ऐसे 90 डिग्री एक्सियल पे बन जाएगा। इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पे जो ये कंपोनेंट ऐसे आ रहा था ये इधर आ जाएगा, जो आपके पास पी साइन थीटा कंपोनेंट था, तो ये पूरा एंगल यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री, थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि कोस 90 डिग्री क्या होता है आपका, जीरो, क्योंकि कोस 90 डिग्री क्या होता है आपके पास, जीरो, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जब किसी डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है वो टोर, तो क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड, पोटेंशियल एनर्जी कह दो और वर्क डन, और वर्क डन यही सी में समझा दूंगी दोनों, वर्क डन व्हेन डाइपोल प्लेस्ड, डाइपोल प्लेस्ड इन द
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी डाइपोल को किस में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करता है आपको, टोर, क्या एक्सपीरियंस करता है, टोर। ये पीछे भी पढ़ाया था आप लोगों को, ये आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है। जब किसी भी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा आपका, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये माइनस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज, ये फोर्स इधर लगाएगा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ठीक है, जब डाइपोल क्या हो रहा है आपके पास इस सिचुएशन में, कि डाइपोल जो है रोटेट कर रहा है, अदर डाइपोल इज रोटेट इन द, एक डाइपोल को एक पोजिशन से किस पे लेके जा रहे, दूसरी पोजिशन। ये डाइपोल है, पहले यहाँ पे किसी थीटा वन पोजीशन पे रखा है, ठीक है। मैं इसको मूव करवा के किस पे लेगी, थीटा टू पोजीशन, मैंने इसको मूव करवा के किस भी पोजीशन पे लेगी, थीटा टू पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल यहाँ से कितना बन गया आपके पास, थीटा टू, कितना बन गया आपका, थीटा टू। जब डायपोल को थीटा वन से थीटा टू रोटेट करवाएंगे तो वर्क डन कितना पड़े, करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए, मैंने डायपोल इज प्लेस्ड, लिख लो, व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस द टॉर्क, देन वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल, देन वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल, ठीक है। रोटेट को डायपोल, डायपोल को एक पोजिशन से दूसरी पोजीशन पर रोटेट करने के लिए वर्क डन कितना होगा आपके पास, तो वर्क डन क्या होगा आपके पास, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन रोटेशन में फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क, रोटेशन में फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क, और एंगल डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करता है, डी थीटा, ठीक है। जब हम रोटेट करते हैं तो सर्कुलर मोशन में फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, थीटा से, कितना वो डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास टॉर्क निकाला था आप लोगों ने, कितना आया था, पी साइन थीटा, टॉर्क कितना आ गया था, पी साइन थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ओके बेटा। तो कितने से रोटेट करा, थीटा वन से थीटा टू, मान लिया आपने किसी एंगल, थीटा वन से कितने पे ले गए, थीटा टू एंगल पे लेके गए, तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, आप डायपोल को कितना रोटेट करवा रहे हो, थीटा वन से थीटा टू एंगल पे, तो आपको कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो यहां से देखिए क्या, पीई को बाहर ले लो, थीटा वन टू थीटा टू, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, पी क्या डायपोल मोमेंट, वो भी कांस्टेंट है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, लिमिट थीटा वन टू थीटा टू, तो वर्क डन पीई तो क्या बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस को मैं बाहर लिख लूं तो बन गया एक कोस थीटा इंटू थीटा वन टू थीटा टू, वर्क डन माइनस पीई, ठीक है, क्या बना, कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ठीक है। ये आ गया आपके पास वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ठीक है। अब आपके पास वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपके पास किसके भी बराबर हो जाएगा, आपका एनर्जी के बराबर, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, जब हमें किसी डाइपोल को इधर से इधर रोटेट करवाया तो वर्क डन किसके फॉर्म में हो गया आपके पास, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब आप इसके केस देखिए फटाफट, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से बेटा, हो गया इधर से, तो देखिए आगे, तो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास माइनस पीई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ठीक है। अब देखो थीटा वन मान लिया आपका जीरो है, थीटा वन क्या है, जीरो, और थीटा टू क्या आपका थीटा, मतलब कि पहले डायपोल भी इधर ही था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये
ये सिचुएशन थी फर्स्ट, तो थीटा वन क्या बना, जीरो। दूसरे में डायपोल भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी यही रहेगी इस डायरेक्शन में। अब डायपोल को आप किसी एंगल थीटा पे मूव करवा के लिए, ठीक है, तो आपके पास वर्क डन कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, वर्क डन उस केस में माइनस पीई कोस थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस पीई कोस थीटा। समझ आ गया, क्लियर हुआ। अब यहां से देखो, इससे केस बनाते हैं, यहां पे दूसरा केस देख लीजिए, लिख लीजिए पहले इस केस को बेटा, इधर से हटा दूं, लिख लिया। अब देखो, अगर मैं कहूं मान ले कि थीटा वन कितना है आपके पास, जीरो, सॉरी थीटा वन जीरो होगा तो ये आएगा आपके पास कोस जी थीटा माइनस वन, क्या केस आएगा, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू बेटा वन होती है, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है आपकी वन, तो क्या आएगा माइनस पी कोस थीटा माइनस वन। सेकेंड केस देखिए, ये फर्स्ट केस था आपके पास, ठीक है, मान ले थीटा वन कितना आपका 90 डिग्री और थीटा टू कितना हो गया आपका थीटा, मतलब पहले डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किस पोजीशन पे थे, 90 डिग्री पे, फिर ये कितना हो गया थीटा, और इसको यहां से किसी ऐसे डाइपोल को यहां से किसी एंगल थीटा पे रोटेट कर दिया यहां से, तो ये एंगल क्या बन गया आपका, यहां से थीटा बन गया, ठीक है। अलग से बना दो कि सेकंड पोजीशन में जो डाइपोल है आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सेकंड पोजीशन में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है आपका, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कोस थीटा माइनस कोस 90, कितना आ जाएगा, माइनस का पीई कोस थीटा। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग द डाइपोल, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये था आपके पास कितना, क्या था आपका वर्क डन लिख लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना, ये आपका वर्क डन आया, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या सिंपली यहाँ पे देखो, वैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कहना इतना ज्यादा सही नहीं होगा, यहाँ कहना सही होगा क्योंकि वर्क डन हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने कहा कि एक थीटा वन पे था एक थीटा टू पे था, ठीक है। अब थीटा वन से थीटा टू लाने में जो वर्क डन हुआ वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में, तो वर्क डन एक सिचुएशन में ये बन जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक यहाँ देखिए, जब थीटा वन अगर 90 डिग्री है, थीटा टू कितना आपका थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती बेसिकली आपका, तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करोगे तो इसकी बात करोगे कि P cos theta, because work done is stored in the form of potential energy, कि जब आपने 90 डिग्री से थीटा पे घुमाया तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, तो वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं किसके लिए, फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ये जनरल फॉर्मूला आपका वर्क डन के लिए, दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, आपको कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ स्पेशल केस हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए बेटा क्या बनेगा यहाँ पे आपका, लिखिए ये सबने, तो ये आगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा क्या याद रखोगे, पीई कोस थीटा, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या याद रखोगे हमेशा, माइनस पीई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ठीक है। ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब थीटा वन 90 डिग्री था और थीटा टू कितना था आपका जीरो, ठीक है, तो वर्क डन दिस इज आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जनरली हम इस जनरल फॉर्मूले को क्या करते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बना आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से मैंने कहा यू बराबर है माइनस पी कोस थीटा, मतलब देखो डायपोल को ऐसे रोटेट करने में जो वर्क डन हुआ तो वो क्या कहलाया आपका पोटेंशियल एनर्जी, किसके अगेंस्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, किसके फील्ड के अगेंस्ट हुआ, तो जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाते हैं तो क्या होता है, वर्क डन किसके फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो फिर से देखो, किसी डायपोल को रोटेट करवाना था, एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे तो वर्क डन करना पड़ा, किसके अगेंस्ट करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाते हैं तो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये तो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा
इनफिनिटी से जनरल पॉइंट मानते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसे क्या कहते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये बना आपके पास माइनस पी कोस थीटा। अगर थीटा कह दो यहाँ पे जीरो है तो क्या बना, यू इज इक्वल टू माइनस पी। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर मैं कह दू थीटा कितना आपका 90 डिग्री, थीटा कितना आपका 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट इसका, ये केस नंबर सेकंड। नेक्स्ट केस देखिए, अगर आपके पास थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, थीटा कितना हो जाए आपके पास 180 डिग्री, तो कितना बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, माइनस पी कोस थीटा कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, पी। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे डाइपोल किसमें रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला ये यूज करेंगे आप डायरेक्टली। और वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। कब, मान लिया कि पहला केस जनरल, थीटा 1 कितना 90 डिग्री, थीटा 2 कितना आपका थीटा है। ठीक है, तो 90 डिग्री अपने पास, तो ये जो फॉर्मूला है जनरल, ठीक है, वो कहता है कि पहले डायपोल इतने एंगल पे था, फिर इतने पे आ गया, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, तो ये फॉर्मूला लगेंगे। डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल विद द स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर।